हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाया किचन्स। और आज हम बना रहे हैं सूजी के उत्तपम, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले लिया है, इसे रवा भी बोलते हैं। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ दही, साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार लें। और नमक के बाद इसमें मैंने बारीक प्याज, बारीक टमाटर, बारीक शिमला मिर्च और हरी मिर्च, साथ ही मैंने धनिया कट कर लिया है, उसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस बैटर को हमें 30 मिनट के लिए छोड़ना है रेस्ट के लिए। और दही के बाद हम इसमें थोड़ा पानी भी मिक्स करेंगे। इस तरह से अपना बैटर तैयार हो जाएगा। इसे हम 30 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके उत्तपम बनाना तैयार करेंगे। 30 मिनट बैटर को रेस्ट करते हो गया है। अब इसमें हम हल्की सी लाल मिर्च और साथ ही धनिया पाउडर थोड़ा डाल लेंगे और इसे बनाना स्टार्ट करेंगे हम। जिसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का पैन चढ़ाया है, उसे मैं प्री हीट होने रख दी हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें उत्तपम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। कुछ इस प्रकार बैटर होना चाहिए उत्तपम के लिए। तवा प्री हीट हो गया है, इसमें मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। और अब मैं जो उत्तपम का पेस्ट तैयार की थी वो यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार से फैला लेना है, ज़्यादा पतला ना करें उत्तपम, क्योंकि मोटा ही होता है। इसे हम छोड़ देंगे। जब ये चारों तरफ से पक जाएगा, हल्का सा ऑयल डाल के इसे पलटा लेंगे हम। इसे हम अब धीमी कर देंगे और धीमे ही आंच में इसे पकने देंगे। उत्तपम को हम चेक कर लेंगे और ये चारों तरफ से पक चुका है। इसमें हल्का सा हम ऑयल डालेंगे और इसे इस तरह से पलटा लेंगे। और देखिए एक तरफ से ये कितना अच्छा पक चुका है। इसी प्रकार हम थोड़ा दबा कर दोनों तरफ से पका लेंगे। इसे मैंने धीमी ही आंच में पकाया है और ये देखिए हमारा उत्तपम दोनों ही साइड से पक चुका है।